आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आज हम बात करेंगे मेन एंट्रेंस के सामने आने वाले ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोधों के बारे में, जिनसे घर में नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, घर का वास्तु डिस्टर्ब होता है, इनसे घर की एनर्जीज इम्बैलेंस होती हैं और इनके घर के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। चाहे घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, फैक्ट्री हो या अन्य तरह की बिल्डिंग हो, इन अवरोधों के नकारात्मक प्रभाव इनमें रहने वाले और काम करने वाले लोगों पर समान रूप से पड़ते हैं। आज मैं आपको घर में रहने वाले लोगों पर इन अवरोधों के क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और इनसे बचाव की क्या वास्तु रेमेडी है, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। इन महत्वपूर्ण जानकारियों को आप एक ऑफिस में भी उपयोग में ला सकते हैं, आप इनको एक स्कूल, फैक्ट्री या अन्य तरह की बिल्डिंग में भी उपयोग में ला सकते हैं और इनसे बचाव की जो वास्तु रेमेडी आज मैं आप बताऊंगा उसका उपयोग करके इनसे बचाव भी कर सकते हैं। क्योंकि ये अवरोध घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ये संपन्नता और मानसिक शांति को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए अगर आप एक नया घर या ऑफिस लेने की सोच रहे हैं या किराए पर कोई ऑफिस या फैक्ट्री लेने की सोच रहे हैं तो आप उसमें ये देखिए कि उनकी मेन एंट्रेंस के सामने ये अवरोध ना हो। अगर आप अपने खरीदे हुए घर में रह रहे हैं या किराए पर रह रहे हैं तो आप उसमें ये सुनिश्चित करिए कि अगर मेन एंट्रेंस के सामने ये अवरोध हैं तो आज जो मैं आपको वास्तु रेमेडी बता रहा हूँ उससे उसका तुरंत आप निदान करिए। अवरोध होते क्या हैं, इनके घर के सदस्यों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और इनसे बचाव की क्या वास्तु रेमेडी है, जानेंगे आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम सत्येंद्र गौतम, वेलकम टू माय चैनल सत्येंद्र वास्तु ए लाइफ चेंजिंग आर्ट। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जिससे मेरे जो वीडियोस अपलोड होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए अब हम बात करते हैं अवरोधों या ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। घर के मेन एंट्रेंस के सामने रोड का होना एक बहुत बड़ा अवरोध माना जाता है। अगर घर का मेन एंट्रेंस एक रोड के टी जंक्शन पर है, वाई जंक्शन पर है या डेड एंड पर है तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। इस स्थिति में रोड घर को हिट करती है, जिसका अर्थ है जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो घर को हिट कर रही हैं। रोड के ऊपर ट्रैफिक 24 घंटे चलता रहता है। जब भी ट्रैफिक मूवमेंट रोड पर होगा तो उससे पैदा होने वाली नेगेटिव एनर्जीज घर को हिट करेंगी, जिसका अर्थ है घर को हमेशा नेगेटिव एनर्जीज हिट करती रहेंगी। इस स्थिति में घर में एक बहुत ही तनावपूर्ण माहौल बना रहेगा, घर के सदस्य स्ट्रेस में रहेंगे, उनको मानसिक रोग होने की भी संभावना बनी रहती है। अगर एक रोड मेन एंट्रेंस को हिट ना करके घर के किसी भी दूसरे पोर्शन को भी अगर हिट कर रही है तो उसके भी उतने ही गंभीर परिणाम होते हैं। इसलिए अगर इस स्थिति में घर है जहां पे रोड अवरोध पैदा हो रहा है तो वहां पे वास्तु रेमेडी करना बहुत जरूरी है। वास्तु रेमेडी के लिए आप घर के ऊपर पाकुआ मिरर लगाइए। इस मिरर में पिरामिड्स होते हैं जो नेगेटिव एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करके घर में आने से रोकते हैं। इसके अलावा आपको मेन एंट्रेंस पे एनर्जाइज्ड पिरामिड्स भी लगाने हैं जिससे यहाँ पे जो एनर्जीज इम्बैलेंस हुई है वो बैलेंस हो जाए, जिससे रोड अवरोध के द्वारा जो वास्तु दोष पैदा हो रहा है वो दूर हो जाए। इसके अलावा आप मेन एंट्रेंस पे ग्रीन प्लांट्स रखिए। ग्रीन प्लांट्स रोड से आने वाली नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं और इस एरिया को एनर्जाइज्ड बनाए रखते हैं। अगर आपका घर एक प्लॉट में है जिसमें जो बाउंड्री का गेट है उसके सामने रोड आ रही है तो आप बाउंड्री गेट को शिफ्ट करिए। इसके अलावा आप जो बाउंड्री वॉल है उसको आपका जो मेन एंट्रेंस है उसकी हाइट से करीब 2 फीट हाइट तक ऊंचा बनाइए, जिससे रोड से आने वाली नेगेटिव एनर्जीज घर को हिट ना कर पाए, जिससे घर के सदस्यों का उनसे बचाव बना रहे।
इन वास्तु रेमेडीज से रोड से होने वाले नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले अवरोध के। घर के मेन एंट्रेंस के सामने अगर इलेक्ट्रिक पोल है तो ये एक अवरोध माना जाता है। इलेक्ट्रिक पोल घर में पॉजिटिव एनर्जीज आने में बाधा पैदा करता है। इससे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए घर के सामने इलेक्ट्रिक पोल नहीं होना चाहिए। अब हम अगले अवरोध के बारे में बात करते हैं। घर के मेन एंट्रेंस के सामने अगर ओपन ड्रेन या नाला है तो ये एक बहुत बड़ा अवरोध माना जाता है। इससे धन हानि होती है, इसलिए घर के मेन एंट्रेंस के सामने ओपन ड्रेन नहीं होना चाहिए। अब अगले अवरोध के बारे में हम बात करते हैं। अगर घर के मेन एंट्रेंस के सामने कोई बड़ा पेड़ है जिसकी छांव आपके घर पे आ रही है तो ये एक अवरोध माना जाता है। इस स्थिति में घर के सदस्यों की जो संपन्नता है उस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर घर के मेन एंट्रेंस के सामने कोई बड़ा पेड़ है और उसकी छांव घर पे आ रही है तो घर की जो संपन्नता है वो रुक जाती है। घर के सदस्य खुश नहीं रह पाते हैं, इसलिए घर के मेन एंट्रेंस के सामने बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए। अगले अवरोध के बारे में, अगर घर के मेन एंट्रेंस के सामने कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो ये एक बहुत बड़ा अवरोध माना जाता है। ऐसी स्थिति में ये घर में एक बहुत ही गंभीर वातावरण पैदा होता है। घर में खुशियों के मौके आने कम हो जाते हैं, इसलिए घर के मेन एंट्रेंस के सामने अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए। अब हम अगले अवरोध के बारे में बात करते हैं। घर के मेन एंट्रेंस के सामने मंदिर भी नहीं होना चाहिए। घर के 100 फीट के अंदर मंदिर है तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष भी माना जाता है, क्योंकि मंदिर एक पवित्र स्थान माना जाता है। अगर उसके 100 फीट के अंदर घर है जिसमें टॉयलेट है, कपल बेडरूम है, जिससे मंदिर की पवित्रता कम होती है, इसलिए 100 फीट के अंदर अगर मंदिर है तो ये एक अवरोध और वास्तु दोष यहाँ पैदा होता है, जिससे घर की संपन्नता पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए घर के 100 फीट के अंदर मंदिर नहीं होना चाहिए। अब हम अगले अवरोध के बारे में बात करते हैं। अगर एक सोसाइटी में फ्लैट के मेन एंट्रेंस के सामने सीढ़ियां हैं तो ये एक बहुत बड़ा अवरोध माना जाता है। इससे मेन एंट्रेंस पे वास्तु दोष पैदा होता है। सीढ़ियों का मेन एंट्रेंस के सामने होने का अर्थ है घर में नेगेटिव एनर्जीज आने लगती हैं और घर की पूरी एनर्जीज इम्बैलेंस भी हो जाती है। इससे घर का वास्तु सीरियसली डिस्टर्ब हो जाता है। मेन एंट्रेंस के सामने सीढ़ियां हैं तो घर के सदस्य हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे और घर में हमेशा एक गंभीर वातावरण बना रहेगा। अगर मेन एंट्रेंस के सामने सीढ़ियां हैं तो इसके वास्तु रेमेडी के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, मेन एंट्रेंस पे पाकुआ मिरर लगाना है और साइड में एनर्जाइज्ड पिरामिड्स भी लगाने हैं। साथ ही साथ ग्रीन प्लांट्स भी मेन एंट्रेंस पे रखिए, जिससे जो वास्तु दोष स्टेयर्स का मेन एंट्रेंस के सामने होने से पैदा होता है वो दूर हो जाता है। अक्सर सोसाइटी फ्लैट्स में हर फ्लोर पे कई फ्लैट्स होते हैं, तो अगर आपका फ्लैट कॉरिडोर के डेड एंड पर है तो ये भी एक बहुत बड़ा अवरोध माना जाता है। डेड एंड पे अगर आपका फ्लैट है तो उससे जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो घर में आएंगी और आपके घर की जो एनर्जीज हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगी, जिससे वहाँ वास्तु दोष पैदा हो जाता है। इसकी रेमेडी के लिए भी आप पाकुआ मिरर और पिरामिड्स का यूज करिए और साथ ही एंट्रेंस पे ग्रीन प्लांट्स भी रखिए। तो हमने देखा कि मेन एंट्रेंस के सामने अगर अवरोध हैं तो कैसे इनके घर के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि उन नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के क्या वास्तु रेमेडी हैं। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो अवरोधों के नकारात्मक प्रभाव घर के सदस्यों पर नहीं पड़ते हैं। अवरोधों से संबंधित अगर आपके सवाल हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।
Worried about the vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us to get scientific solutions of vastu problems at nominal fee. Register now 965004546. To learn vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online vastu course. Our WhatsApp number is 965004546. अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।